Our next question is question number 20. We have to integrate square root of 1 minus root x upon 1 plus root x. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कोई ऐसी आइडेंटिटीज के बारे में सोचना होगा कि जो इसी फॉर्म में होती है. देखो ऊपर भी सेम वेरिएबल है, नीचे भी सेम वेरिएबल है. अब आपको आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा की भी वैल्यू होती है और एट द सेम टाइम एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस थीटा होती है. 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin square theta by. और 1 plus cos theta किसके इक्वल होते हैं? sin by cos tan हो जाएगा, वहां से सीधा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका. x को नहीं लेंगे कैसे बनाएंगे? आप root x को लोगे. But I mean to say that तो आपने root x को cos theta ले. को लेना cos theta? root x. x को नहीं लोगे, root x को cos theta. अब root x अगर cos theta है तो x की वैल्यू क्या होगी? स्क्वेयरिंग both side का. स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स. और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है सारी चीजें? ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट ये एक्स एक्स वेरिएबल है ना. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1. कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 कॉस थीटा. राइट. फिर cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin थीटा. फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? d थीटा बाय dx. क्या डाउट होगा वहां? मेजर है मैंने सारी बातें समझ में आ रही है. ठीक है. तो आपने क्या लिखा? cos स्क्वायर थीटा को 2 cos थीटा. फिर cos थीटा क्या हो गया? माइनस sin थीटा. और फिर थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया? d थीटा बाय dx. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो जो आपका ये इंटीग्रेशन है, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ. ये देखो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dx. और dx की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ dx विल बी वैल्यू ऑफ dx. देखो ये डिनोमिनेटर में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? dx into 1 क्या हो जाएगा आपका dx. बेसिकली dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा. बेसिकली ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस रूट एक्स को आपने क्या ले लिया? कॉस थीटा. अगेन 1 प्लस रूट एक्स को क्या ले लिया आपने? कॉस थीटा. और dx की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है. तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है इट विल बी लाइक माइनस 2. जो dx की वैल्यू थी माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर. रूट एक्स की जगह आपने क्या रखा? कॉस थीटा कॉस थीटा. और डी एक्स क्या था? माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी. अब यू नो दैट 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है आपका? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. यहाँ तक कोई डाउट है? राइट. इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज नाउ माइनस 2 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. और ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट. साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बाय 2. और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बाय 2. यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ. राइट. अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय 2. कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाय 2. अब डायरेक्टली टेन थीटा बाय 2 भी कर सकते हो ना. लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर ये आपके पास साइन थीटा है, इसको भी तो सॉल्व करना है. और आपको पता है साइन ए जो होता है इट इज इक्वल टू वट? 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2. यहाँ तक कोई डाउट है तो साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2. यहाँ तक कोई डाउट होता है? क्लियर है सारी चीजें यहाँ तक? ठीक है. तो देखो इस साइन थीटा को आपने लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. अब इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको? भी कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 विल बी कैंसिल आउट. ठीक है. तो व्हाट वी विल हैव नाउ?
Now integration will be equal to minus 2 sine theta by 2 sine theta by 2 it will be sine square theta by 2. It is equal to your sine square theta by 2. Right? Into cos theta d theta. यहाँ तक कोई doubt है तो बताओ. ये रहने सारी चीजें. ठीक है? Now, अभी आपने हमने आइडेंटिटी अप्लाई की थी दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कैन आई से दैट इन प्लेस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आई कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा आई कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा इनटू क्या होगा आपका कॉस थीटा डी थीटा क्लियर है सारी चीजें यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ठीक है देन माइनस टू इंटू दिस देखो माइनस टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा अब आप ये देखो माइनस टू देखो पहले तो आप इसको देखो ये हो जाएगा माइनस टू वन इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है ठीक है अब माइनस टू को आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी इज इट क्लियर यहां पे कोई डाउट है तो बताओ क्लियर है सारी चीजें ठीक है देन माइनस टू कॉस थीटा प्लस देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा है जैसे आपका वन माइनस कॉस थीटा जो है आपका इट इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू सिमिलरली वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू एनी क्वेश्चन जितना एंगल यहाँ होता है उसका डबल होता है यहाँ पर जैसे कि अगर आप यहाँ लिखोगे वन माइनस कॉस टू थीटा तो ये होगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा अब यहाँ ये थीटा इसका डबल होगा ना ये थीटा का डबल क्या होगा टू थीटा ये चीज समझ में आ रही है अब देखो जो आपका सब्स्टिट्यूशन था वो आपने किसके रिस्पेक्ट में लगाया था कॉस के रिस्पेक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन क्या है दैट रूट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एक्स की वैल्यू क्या होगी कॉस स्क्वायर थीटा और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब हम एक्स से इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं तो एक्स में इसको क्या करना होता है फिनिश करना होता है कंप्लीट करना होता है ठीक है तो जब मुझे ये जो मेरी वैल्यूएशन है ये सारी थीटा में अब साइन थीटा को तो मैं इस एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता लेकिन साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन साइन टू थीटा को मैं एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता एक्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कॉस थीटा होना चाहिए तो क्लियर है बट साइन टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना टू साइन थीटा कॉस थीटा ज्यादा क्लियर है सारी चीजें ठीक है अगेन ये जो साइन थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट वन माइनस देखो अब cos थीटा की वैल्यू क्या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है x तो ये cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं x अब आपने कहा कि रूट x इज इक्वल टू cos थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स रूट x यहां तक क्लियर है सारी चीजें तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा cos इनवर्स रूट x
फिर जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका एक्स, और जो आपका कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट एक्स प्लस सी। यहाँ पे कोई डाउट हो सकता है, तेरह सारी चीजें यहाँ पे ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे बट वी विल हैव माइनस टू रूट वन माइनस एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स। देखो रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए इंटू बेसिकली यो कैन बी रिटन एज रूट ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स। एक्स इंटू वन क्या होगा आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस सर, तो आप इसको ऐसे देखो 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इनटू e रेस टू पावर एक्स, ठीक है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, आप लोगों को पता है कि न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं सेपरेट। व्हाट वी कैन डू ओवर हियर कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x देन प्लस sin 2x upon 1 plus cos 2x sin 2x upon 1 plus cos 2x into e raised to power x dx। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है तो सारी चीजें, ठीक है? अभी हमने आइडेंटिटीज किया था 1 plus cos 2 theta क्या होता है 2 cos square theta, 1 plus cos 2 theta क्या होता है 2 cos square theta, ये क्लियर है आपको? फिर sin 2 theta क्या होता है आपका 2 sin theta cos theta, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या होता है 10x dx, ये दे रहा सबको, ठीक है? अब देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका fx है और ये क्या है f'x। एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर x विदिन ब्रैकेट fx प्लस f'x, यानी कि अगर एक फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो साथ में एक्सपोनेंशियल हो, यानी कि ये वाली जो फॉर्म होती है दिस फॉर्म विल बी इक्वल टू e रेस टू पावर x fx प्लस e, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसी फॉर्म में आंसर आएगा, दे रहे आंसर? तो इट विल बी इक्वल टू e रेस टू पावर x tan x प्लस c। यहां पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हां e रेस टू पावर x होना चाहिए साथ में, तब भी ये फॉर्म आपकी एप्लीकेबल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। न्यूमरेटर वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इनटू एक्स प्लस वन। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है? देखो डिनोमिनेटर में देखो ये फैक्टर्स हैं आपके। देखो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को कैसे लिखोगे, ए वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ए टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। भाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर पहले एक्स प्लस वन है, फिर एक्स प्लस वन से ही एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बना होगा ना बेसिकली। देखो एक्स प्लस वन, फिर ये क्या होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये ऐसे होगा। जब भी ये होल स्क्वायर वाला फैक्टर होगा उसको इसी तरह से लिखा है, ए वन अपॉन एक्स प्लस वन इसकी जो इनिशियल फॉर्म है प्लस ए टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एंड द थर्ड फैक्टर इज बी अपॉन एक्स प्लस टू। यहाँ तक कोई डाउट है तो दे रहे हैं तो सारी चीजें, ठीक है? नाउ इट कैन बी रिटन एज, देखो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, यही आएगा आपका। अब एक्स प्लस वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए वन के साथ क्या आ जाएगा, ए वन के साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। इन केस ऑफ ए टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए टू के साथ क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू। इन केस ऑफ बी एक्स प्लस टू विल बी कैंसिल आउट तो बी इंटू क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, दे रहे हैं तो सारी चीजें, ठीक है? नाउ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट एंड एक्स प्लस टू विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
equal to a1 x plus 1 x plus 2 plus a2 into x plus 2 plus b into x plus 1 whole square. And this is the equation number 3. This is the equation number 3. यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कंप्लीट फैक्टर क्या क्या है आपके पास, x plus 1 x plus 2. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो. जब आप x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन. x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन माइनस वन पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा. टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन. तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका ए टू. फिर माइनस वन का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, वन. x की जगह माइनस वन रखोगे प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. माइनस टू पुट करोगे माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर. ये क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस क्या हो जाएगा, वन. माइनस टू अगर यहाँ पुट करोगे तो ये जीरो, माइनस टू यहाँ पुट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो. माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बी. तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, बी इंटू वन इक्वल टू फोर माइनस टू प्लस वन दैट इज थ्री. तो बी आपका क्या हो गया, थ्री. ये भी क्लियर हो गया. अब आपके पास देखो, आपके पास ए टू हो गया, आपका बी हो गया, लेकिन स्टिल वी आर लेफ्ट विद वैल्यू ऑफ ए वन. और फैक्टर्स तो जो कंप्लीट फैक्टर्स थे उनका तो यूज हो गया. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयर करते हैं. क्या करते हैं, कंपेयर. व्हाट वी विल डू नाउ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x को. हम x के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर. तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है आपका, 1. x * x x2 होगा. तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, a1. यहां कोई कोफिशिएंट नहीं होगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां कोफिशिएंट ऑफ x2 क्या आएगा आपका, b. तो कैन आई से दैट a1 plus b equal to 1. तो 1 equal to a1 plus b. 1 इक्वल टू ए वन प्लस बी, वैल्यू ऑफ बी इज 3. बी की जगह क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए वन. बेसिकली ए वन इज इक्वल टू माइनस बी. एनी डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है. दीज आर द वैल्यू, ए वन माइनस टू, ए टू वन, बी इक्वल टू. वैल्यू ऑफ ए वन इज माइनस टू, वैल्यू ऑफ ए टू वन, एंड वैल्यू ऑफ बी थ्री. वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन. देखो ये आपकी इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन. ए वन की जगह आप क्या रखोगे, माइनस टू. ए टू की जगह क्या आ जाएगा, वन. और बी की जगह क्या आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू. क्लियर है था सारी चीजें, ठीक है. तो इट विल बी लाइक दिस, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू. इज इट क्लियर. व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू y, इट इज इक्वल टू y, एंड देन माइनस टू अपॉन x प्लस वन प्लस वन अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन x प्लस टू dx. यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है. व्हाट डू यू हैव, देखो माइनस टू आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है. वी आर लेफ्ट विद वन अपॉन x प्लस वन dx. 1 upon x plus 1 whole square. When it shifted to the numerator, it will be x plus 1 raised to power minus 2. P again आपका constant है, तो 3 into 1 upon x plus 2 dx. ये तो direct integration है, log x plus 1. और यहाँ आपका integration क्या होगा, x raised to power n. यहाँ तक clear है सारी चीजें, ठीक है. तो what we will have, minus 2 log x plus 1. x raise to power n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, n plus 1, तो minus 2 plus 1 upon n plus 1 minus 2 plus 1. Again 1 by x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x plus 2 plus, is it clear? ठीक है यहाँ पे, ठीक है.
माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, ये भी क्या हो जाएगा माइनस वन, राइट। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स प्लस वन रेज टू पावर माइनस वन, इट विल बी वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये क्लियर है। प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस ए, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर। बहुत ज्यादा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये एन लॉग एम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ तक भी आपका आंसर अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, tan inverse root 1 minus x 1 plus, अभी आपने सेम इस तरह का क्वेश्चन किया था, राइट। x को क्या लिया था हमने cos theta, ठीक है, ये हो जाएगा 1 plus cos theta, 1 minus cos theta क्या होता है 2 sin square theta by 2 में, जो भी एंगल होता है इसका हाफ, और 1 plus cos theta क्या होगा 2 cos square theta by 2, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। What we will do here, put x is equal to sin theta. So dx क्या हो जाएगा minus sin theta d theta. When we substitute these values over here, what we will have tan inverse. In place of x, we will put cos theta. In place of x, we will put cos theta. ये clear है, ठीक है? And in place of dx, what we will do minus sin theta d theta. यहाँ तक कोई doubt है? सारी चीजें, ठीक है। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये क्लियर है। एंड 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। एंड इन प्लेस ऑफ dx दैट इज माइनस साइन थीटा, देखो माइनस जो है, ठीक है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर, यहाँ पर आपके पास था साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो वहां हमने साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा को टेन नहीं किया, हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई करके इसके साथ सॉल्व किया, बट यहाँ देखो ना ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या हो जाएगा एक्स, व्हाट वी विल डू, टू एंड टू विल बी कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, विल बी टेन, ये होगा क्या आपका, ये होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बाय, एंड बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट इट विल बी टेन थीटा बाय, इज इट क्लियर, टेन थीटा बाय टू साइन थीटा डी थीटा, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। देन व्हाट वी विल हैव, देखो अब टेन इनवर्स और टेन, टेन इनवर्स tan theta by 2, ये क्या हो जाएगा आपका theta by 2 into sin theta, अब theta by 2 को मैं ले सकता हूँ ना 1 by 2, 1 by 2 into theta into sin theta, pull out, 1 by 2 आपका constant है, and with this minus sin it will be minus 1 by 2, we are left with theta and sin theta, now which concept we will apply here, I lay where a is an algebraic function and t is an trigonometric function. So order wise पहले a आता है आपका, तो जो algebraic function है ये आपका first function होगा, और जो trigonometric function है it will be your second function. यहाँ तक कोई doubt है तो बताओ, clear है सारी चीजें, ठीक है। अब concept क्या होता है, first function is as such as integration of second minus sine of integration derivative of first integration of second and then whole integration. Yes, अगर d theta है तो ये d theta होगा. So first function is as such as integration of second, integration of sine theta d theta minus sine of integration derivative of first function. तो theta का आपने derivative कर दिया. Integration of second तो sine theta d theta then whole integration that is d theta. यहाँ तक clear है सारी चीजें, ठीक है। नाउ साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन होगा आपका, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस, इज इट क्लियर, ठीक है।
अब आपने क्या कहा, आपने जो सब्सिट्यूशन लिया था, अब उस पर आओ, जो आपका सब्सिट्यूशन था, दिस इज योर सब्सिट्यूशन, दैट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो एक्स वेरिएबल से स्टार्ट हुआ था, तो एक्स पर ही कंप्लीट करोगे आप। देखो थीटा को तो आप डायरेक्टली एक्स में लिख सकते, कन्वर्ट कर सकते, कॉस थीटा को भी डायरेक्टली मैं एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया ये साइन थीटा हो गया ना, साइन थीटा का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आ रही है। अब ये सारी जो वैल्यूज है आपकी वो एक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका एक्स, राइट, वन माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है, तो ये जो माइनस था मैंने शिफ्टेड विद इन द ब्रैकेट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस इसकी वजह से, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया था आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट कैन बी टेन एज वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, कोई डाउट है तो पूछ सकते, फिर यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन विद इन ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर। तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा, क्या करना होगा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मीन्स देखो ये आपका क्वेश्चन राइट, मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जिस टर्म को आप कॉमन लेते हो जितनी भी टर्म्स होती है सबसे डिवाइड है, तो अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो बेसिकली विद इन ब्रैकेट क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म से भी एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो ये जो एक्स स्क्वायर देखो विद इन द स्क्वायर रूट, विद इन द स्क्वायर रूट वी विल हैव एक्स स्क्वायर वन प्लस वन बाय एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या आपका एन लॉग एन, इसका इनवर्टन है log m raise to power n, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस log m raise to power n, that is log x, ये क्लियर हो गया, अपॉन x raise to power, अपॉन x raise to power, ठीक है। अब देखो ये x square है, because of this square root it will be x square root of 1 plus 1 by x square, अब ये क्या है आपका log m माइनस लॉग n, which can be written as log m by n, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, m x square plus 1 by n x square, right, ये x raised to power 4, अब देखो ये जो x है और ये x raised to power 4 है, तो can I say that it will be x cube, एक x cancel हो जाएगा आपका, ठीक है। So what we will do, अगेन देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर, वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन, कैसे देखो, वो t इज इक्वल टू रूट वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया व्हाट यू विल हैव, इट विल बी t स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, राइट, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो जो t स्क्वायर है ये हो जाएगा 2t, then derivative of t with respect to x that is dt by dx, constant का derivative क्या होगा zero, one by x square, मैं पहले ही बता चुका हूँ one by x raised to power n का जो derivative होता है it is equal to minus n upon x raised to power n plus one, तो ये आपका one by x square, तो जब आप इसका derivative करोगे तो ये हो जाएगा आपका minus two upon x raised to power two plus one that is three, इजी समझ में आ रही है, वन बाय एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज माइनस टू अपॉन एक्स रेज टू पावर टू एंड टू विल बी कैंसिल आउट, ठीक है।
व्हाट वी विल हैव, देखो अब अगर आप इस फॉर्म को देखो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, कैन फाइंड द वैल्यू वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स मीन्स वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, वन अपॉन एक्स क्यू क्रॉस, यह आपका हो गया वन अपॉन एक्स क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स क्या हो जाएगा आपका टी डी टी, और ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस टी डी, इसी समझ में आ रही है माइनस टी डी टी, देखो वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स तो हो गया आपका माइनस टी डी टी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिया था टी, तो ये हो जाएगा आपका टी, और वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये भी समझ में आ रही है, स्क्वायरिंग कोस ऐड करके यही हो गया था ना टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, बस सिर्फ वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा तब तो टी स्क्वायर लिखूंगा, और इसकी जगह क्या आएगा टी, तो ये हो गया टी लॉग टी स्क्वायर, और ये हो गया था आपका माइनस टी डी, ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो t log t square माइनस t dt, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। देन तो कोई माइनस है तो आपने बाहर बाहर कर दिया, ठीक है। अब t और t ये क्या हो गया t square, and we know that log m raised to power n is equal to n log m, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, तो ये log t square है, क्या है log t square, तो it will be t log t, क्या होगा ये T टू, यू गेट टू log T, टू कॉन्स्टेंट है, इट विल बी माइनस टू, वी आर लेफ्ट विद log T इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे सारी चीज समझ में आ रही है, वी आर लेफ्ट विद log T इंटू टी स्क्वायर, आई ले फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो log T क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा सेकेंड फंक्शन, क्या होता है कंसेप्ट, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट, ये चीज समझ में आ रही है। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज टी स्क्वायर डीटी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, ये होगा आपका, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो माइनस टू लॉग टी, टी स्क्वायर टी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा टी क्यूब बाई टी, माइनस लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यूब बाई टी, ये भी समझ में आ रही है। टी एंड देखो टी क्यूब बाई टी रेस्ट टू पावर वन है, थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टी, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देन टी क्यूब देखो वन बाय थ्री, ये वन बाय थ्री वन बाय थ्री कॉमन ले सकते हो, तो माइनस टू इंटू वन बाय थ्री क्या हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री, वी आर लेफ्ट विद टी क्यू लॉग टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो माइनस टू बाय थ्री ये हो जाएगा टी क्यूब लॉग टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब बाय थ्री हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा क्लियर है। अब टी क्यू आप यहाँ से क्या ले लो कॉमन, तो माइनस टू बाई थ्री टी क्यू विद इन ब्रैकेट वी विल हैव लॉग टी माइनस वन बाई थ्री प्लस, राइट। अब देखो जो टी था आपका, टी किसके इक्वल था, टी आपका इक्वल था रूट वन प्लस वन बाय एक्स, इन प्लेस ऑफ टी व्हाट वी विल पुट, देखो जो आपका टी है, टी आपका क्या है वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू देखो टी रेस्ट टू पावर थ्री है ना, टी रेस्ट टू पावर थ्री, टी की वैल्यू होगी वन बाय टू, यही है, और फिर साथ में आपका थ्री है, तो ये ऐसा हो जाएगा ना वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर थ्री इंटू वन बाय टू थ्री बाय टू, ये चीज समझ में आ गई, थ्री इंटू वन बाय, हाँ पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर टी की जगह क्या आ जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री प्लस, तो यही था ना टी आपका, ये था तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर टू पावर वन बाय टू टी क्यूब, ये देखो टी क्यूब, तो दोनों साइड क्यूब कर दो
दोनों पावर में क्या कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई, तो थ्री वन बाय टू इंटू थ्री करोगे तो थ्री बाय टू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, माइनस टू बाय थ्री वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाय टू, लॉग एम रेज टू पावर एम, दैट इज एन लॉग एम, एन लॉग एम माइनस वन बाय थ्री प्लस, विच इज क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो ये आपकी वैल्यू हो राइट, अब ये क्या आपके पास, अब ये जो माइनस टू बाय थ्री है, ये समझ में आ रहा है आपको, माइनस टू बाय थ्री, अगर इस माइनस टू बाय थ्री को मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ, या माइनस टू बाय थ्री को छोड़ो, फिर आप माइनस टू को या टू को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, बेसिकली ऐसा है ना, ये चलो मैंने इसको लिखा माइनस वन बाय थ्री वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाय टू, ये जो टू है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लेके, तो टू इंटू वन बाय टू क्या हो जाएगा वन, फिर जब आप टू को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस टू बाय प्लस, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स जितने भी आपके क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, डेफिनेट इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इज लिमिट पाई बाय 2 टू पाई, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट, e रेज टू पावर x 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x dx, अभी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर, पहले तो ये समझ में आ रहा है, जैसे आपने न्यूमरेटर को सेपरेट किया तो कि 1 अपॉन 1 माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी, इज क्लियर है? पाई बाय टू टू पाई ई रेस टू पावर एक्स, देखो वन माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर थीटा एक्स बाय टू, साइन एक्स कैन बी रिटन एज टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, अगेन वन माइनस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, यहाँ तक उठाओ, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो 1 by sin theta क्या होता है, cosec theta, तो 1 by sin square theta तो cosec square theta, which is समझ में आ रही है, 2 and 2 will be cancel out, sin x by 2 and square will be cancel out, we are left with cos x by 2 by sin x by 2 and it is equal to cot x by 2, अब देखो cos by sin क्या हो जाएगा आपका, cot x by 2। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एफ एक्स है, तो कहने से दैट ये एफ डैश एक्स है, मुझे बताओ कॉट कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट सी वालों का डेरिवेटिव, सी वालों का डेरिवेटिव प्लस में होता है माइनस में होता है, माइनस में होता है, तो ये होगा आपका माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, सही होगा, तो मानते हो? ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका cot x by 2, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हाफ cos x square x by 2, होगा या नहीं होगा? अब cot theta का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x square x by 2, और x by 2 का क्या होगा 1 by 2, समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है आपका कि ये जो फॉर्म है आपकी, ये क्या है, ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स फॉर्म, ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स फॉर्म है राइट, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, it will be equal to, देखो माइनस कॉमन ले लिया आपने, e रेज टू पावर x cot x, क्योंकि माइनस कॉमन लेके ही आप इस फॉर्म में आओगे, माइनस कॉमन लेने के बाद ही आप इस फॉर्म में आओगे, माइनस e रेज टू पावर x cot x बाय 2, और जो आपकी लिमिट है दैट इज पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 टू पाई, यहां तक क्लियर हो गई सारी बात? ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राइट, जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ई रेस टू पावर पाई इन प्लेस ऑफ एक्स कॉट पाई बाय, फिर जब आप लोअर लिमिट को यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर पाई बाय टू, और देखो पाई बाय टू, टू टू का क्या हो जाएगा फोर, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पर अब जो आपका ये क्या है कॉट 90, कॉट 90 क्या होता है जीरो, बेसिकली सारे जीरो हो गए, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया आपका माइनस e रेस टू पावर पाई बाय 2 इंटू 1 राइट,
So your final answer will be minus minus plus, that is e raised to power 5. This is the final answer of this. Is it clear? So doubt hai to bhi pooch sakte ho. Clear hai sabko? Theek hai. Now our next question is question number 26. We have to integrate 0 to pi by 4 sin x cos x upon cos raised to power 4x plus sin raised to power 4x. यहाँ पे समझ में सारी चीजें, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेस टू पावर 4। हमने क्या किया भाई, मैक्सिमम पावर यही है ना आपकी, ठीक है? हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेस टू पावर 4x। अब क्यों किया कॉस रेस टू पावर 4x से, वो भी आपको समझ में आएगा। देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, ये चीज समझ में आ रही है आपको। यहाँ मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ, बट यू बी लेफ्ट, देखो ये आपका कॉस क्यूब एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन बाय कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, और वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ रही है, ठीक है? और जब आप इसको सेपरेट करोगे ये हो जाएगा साइन फोर एक्स बाय कॉस फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स बाय कॉस फोर एक्स। ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा आपका टेन रेज टू पावर फोर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है? अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आपने क्या लिखा टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप इस पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं टेन एक्स को टी पुट करता हूँ, या टेन स्क्वायर एक्स को अगर आप टी लेते हो, तो डी टी क्या होगा आपका टू टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बेसिकली आपके पास टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई ना, दैट इज डी टी बाय टू। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन पर भी आपको क्या करना होगा, लिमिट लगानी। तो देखो जब आपका एक्स जीरो के इक्वल है, जब आपका एक्स जीरो के इक्वल है तो टी की वैल्यू क्या होगी टेन जीरो क्या होता है जीरो। जब एक्स जीरो है तो इन टर्म्स ऑफ टी भी आपकी लोअर लिमिट जीरो होगी, समझ में आ रहा है? और जब एक्स आपका पाई बाय फोर के इक्वल है, जब एक्स आपका किसके इक्वल है पाई बाय फोर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी, टी टेन स्क्वायर पाई बाय, और टेन पाई बाय फोर क्या होता है वन। तो पाई बाय फोर के केस में टी इन टर्म्स ऑफ टी ये क्या हो जाएगा आपका वन, इन टर्म्स ऑफ टी ये क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो टू वन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगी जीरो टू वन। तो बेसिकली इसको आप कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका जीरो टू वन, टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो डी टी बाय टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू डी टी, राइट? और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस वन। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका हो गया डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ए। और कोई डाउट इस होगा, क्लियर हो गया यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है? तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? हाफ जीरो टू वन डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या होगा वन बाय ए, तो वन बाय वन ही होगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये होगा टेन इनवर्स टी जीरो टू वन, अपर लिमिट पुट करोगे टेन इनवर्स वन, लोअर लिमिट पुट करोगे टेन इनवर्स जीरो। यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है? और वन की जगह क्या आ जाएगा, वन की जगह टेन पाई बाय फोर, जीरो की जगह क्या आ जाएगा टेन जीरो, ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा पाई बाय, इसी का फाइनल आंसर होगा। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर देखो कॉस फोर एक्स, अगर आप यहाँ पर साइन, अब आप ये भी कह सकते हो साइन फोर एक्स के साथ क्यों नहीं है, अगर आप इसको साइन फोर एक्स के साथ करते तो ये क्या होता है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन फोर एक्स, ये कुछ ऐसा होता है। इसको आप सेपरेट करते ये हो जाता वन, ये हो जाता आपका कॉट रेस टू पावर फोर एक्स, और ये क्या हो जाता आपका वन हो जाता, फिर ये आपका कैंसिल हो जाता। अब कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये चीज समझ में आ रही है? तो जो चीज आपने सेको टेन के साथ किया वो आपकी फिर किसके साथ होती कॉट और कॉस एक्स। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन सी वाले के डेरिवेटिव में आपको पता माइनस वगैरह भी आता है, तो इसलिए हमारा जो डिसीजन था वो क्या था कि टेन और सेक के साथ हम आगे जाएंगे, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है?